खजुराहो की पहचान अब तक 1000 साल पुराने चंदेलकालीन मंदिरों के लिए थी, लेकिन अब इसकी पहचान भारत के पहले FTO के रूप में भी होगी। भारत के युवाओं का पायलट बनने का सपना अब खजुराहो से ही उड़ान भरेगा। यहाँ पर सरकार के सहयोग से एक निजी संस्था के द्वारा फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत कर दी गई है और इसकी शुरुआत होते ही 12 युवाओं को पहले प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए चिन्हित किया गया है। खजुराहो एयरपोर्ट पर FTO फ्लाई ओला एविएशन एकेडमी के द्वारा C-98 सुपर किंग्स B-200 एयरक्राफ्ट जैसे विमानों से प्रशिक्षण दिया जाएगा। फ्लाई ओला के प्रबंध निदेशक S. राम ओला ने बताया कि पूरे एशिया में ऐसा कोई संगठन नहीं है जो इन विमानों का प्रशिक्षण प्रदान करता हो। भारतीय नागरिक उड्डयन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भारत के लिए प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि के अनुरूप इस योजना का शुभारंभ हुआ है और अब खजुराहो से पायलट तैयार किए जाएंगे। सुनिए उन्होंने इस पायलट ट्रेनिंग सेंटर के शुभारंभ अवसर पर क्या कहा। हमारा एकेडमी का नाम बहुत ही अलग है, फ्लाई ओला, जो ओला टैक्सी से आप कंपेयर कर सकते हो। फ्लाई ओला बहुत ही यूनिक नाम है, फेमस नाम है और फ्लाई ओला इस एकेडमी का नाम है और जलगांव खजुराहो दोनों जगह फ्लाई ओला एकेडमी। सर ये फ्लाई ओला कब से संचालित हो रही है और कहाँ कहाँ इसके इंस्टीट्यूट है? फ्लाई ओला ग्रुप ऑफ कंपनी है जिसमें जेटसर एविएशन प्राइवेट लिमिटेड है, जिसमें 7 एयरक्राफ्ट है, 4 हेलीकॉप्टर्स है। गुड़गांव में बहुत बड़ी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी है, दिल्ली एयरपोर्ट में हमारा है, इगरवा में है, जलगांव में है और यहाँ हमारा है और बाकी मोर देन 20 इंटरनेशनल कंपनी जेट सर्विसन के साथ काम करती है और स्किल इंडियन एरोस्पेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ हम 20,000 बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं और इंद्रप्रस्था ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन हमारा जिसमें नोटिकल इंजीनियरिंग कराते हैं, मैनेजमेंट कराते हैं। और सर मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से बच्चों के लिए क्या सब्सिडी वगैरह दिया जाता है? मध्य प्रदेश सरकार से अभी तक कोई सब्सिडी नहीं दिया जाता, लेकिन हम चाहते हैं कि हम प्रपोजल भी भेजेंगे और मीडिया के माध्यम से भी कहना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश सरकार जो अच्छे बच्चे समाज के, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, गर्ल्स और बॉयज, उसके लिए स्कॉलरशिप का एक टेस्ट किया जाए ऑल ऑफ मध्य प्रदेश और उसमें जो अच्छे बच्चे सिलेक्ट होते हैं कम से कम 30 स्टूडेंट साल के इस FTO में दे, सो दैट हम ट्रेनिंग कराएं उनकी और ट्रेनिंग करा के अच्छे पायलट बने। जो एवरेज बच्चा है वो भी पायलट बनने का सपना पूरा हो सकता है यदि सरकार उसका थोड़ा सहयोग करे। हम भी चाहेंगे कि कुछ हम सहयोग करें, कुछ सरकार करे, हम भी उसको कंसेशन रेट में फ्लाइंग कराएंगे और स्पेशली गर्ल्स के लिए मैं मध्य प्रदेश सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि गर्ल्स को बढ़ावा देने के लिए, उनके लिए स्पेशली हम ऑलरेडी कंसेशन रेट गर्ल्स के लिए कोटा रखा है और मध्य प्रदेश सरकार से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि वो भी कुछ इसमें गर्ल्स के लिए स्पेशल पैकेज भी हो गया हमारा और यहाँ हेलीकॉप्टर का भी इस मंथ तक आ जाएगा और हेलीकॉप्टर भी यहाँ चालू हो जाएगा। तो ये ट्रेनिंग रहेगी हेलीकॉप्टर? हाँ, हेलीकॉप्टर की एशिया की पहली ट्रेनिंग सेंटर हम यहाँ खजुराहो में खोल रहे हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार को मैं चाहूँगा, आज सिविल के बच्चे हेलीकॉप्टर में पायलट की बहुत शॉर्टेज है और आने वाले टाइम में हेलीकॉप्टर का बहुत बड़ा योगदान रहेगा कि हेलीकॉप्टर कहीं भी उतर सकता है, उसके लिए रनवे एयरपोर्ट की जरूरत नहीं होती है। तो हेलीकॉप्टर में यदि सिविल के बच्चे आएंगे तो सिविल के पायलट बनेंगे तो हेलीकॉप्टर की बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी। पूरे देश को हेलीकॉप्टर से जोड़ा जा सकता है, एमरजेंसी सर्विसेज में जोड़ा जा सकता है, मेडिकल में जोड़ा जा सकता है और कोई प्रोग्राम हो उसमें जोड़ा सकता है, चार्टर सर्विसेज में जोड़ा जा सकता है। तो वो जो नेचुरल क्लाइमिटीज होती है उसमें जोड़ा जा सकता है, एमरजेंसी सर्विसेज में हेलीकॉप्टर को जोड़ा जा सकता है। तो हेलीकॉप्टर की आज देश को बहुत ज़्यादा जरूरत है और हमें सौभाग्य है कि एशिया का पहला हेलीकॉप्टर फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन खजुराहो में खोल रहे, उसमें मध्य प्रदेश सरकार भी हमारा सहयोग करे, कंट्रीब्यूट करे और आने वाले जो स्टूडेंट है स्कॉलरशिप में या ग्रांट के रूप में हमें सहयोग करें, सो दैट हम मध्य प्रदेश का नाम पूरे हिंदुस्तान में हो, पूरे वर्ल्ड में। कितने बच्चे हैं सर अभी लोकल के और आसपास के जिले में या खासतौर से अपने लड़कियों के लिए कहा तो कुछ लड़कियां भी अभी हैं? लड़कियां हमें अभी काफ़ी लड़के हैं
और आने वाले टाइम में और गर्ल्स आ रही है, काफ़ी इंक्वायरी आ रही है और गर्ल्स के लिए स्पेशली हमने पैकेज भी रखा है। सो गर्ल्स को मोटिवेट करने के लिए, गर्ल्स को बढ़ावा देने के लिए।